तो और भाई लोग क्या बोलते हैं अपनी पबजी सेना। हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन देशमुख और आप देख रहे हैं हमारा चैनल क्रिएटिव ऑनलाइन। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजन 17 के कुछ आरपी रिवार्ड्स का गेम प्ले मैं आपको दिखाने वाला हूं, उसी के साथ आरपी रिलीज डेट और टाइमिंग के साथ, उसी के साथ आपको सीजन 17 में आपका टीयर ड्रॉप कैसे कहाँ पर कौन से रैंक पे होगा उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अभी तक आपने हमारे सीजन 70 के रॉयल पास गिवअवे में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो जल्दी से जाओ पार्टिसिपेट करो। अभी मैं यहाँ पर आपको स्टेप वाइज बता देता हूँ। गाइस, यहाँ पर रॉयल पास गिवअवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको बस गूगल पे आना है, गूगल पे क्रिएटिव पवन गिवअवे सर्च कर देना है, और यहाँ पर जो भी पहला ही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है गिवअवे अचीव, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला ही रॉयल पास गिवअवे सीजन 17 का मैं यहाँ पर गिवअवे कर रहा हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर स्टेप वाइज मैंने ऑलरेडी बता भी दिया है कि किस तरह से आपको पार्टिसिपेट करना है, क्या करना है सब कुछ, तो पूरा आपको डिटेल में है। लेकिन पार्टिसिपेट इन गिवअवे के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सीधा यहाँ पर आ जाओगे, और यहाँ पर आने के बाद आपको पूरा यहाँ पर स्टेप फॉलो कर देना है कि अपना क्रिएटिव टेक चैनल सब्सक्राइब, क्रिएटिव पवन इंस्टाग्राम फॉलो पे, और उसके बाद फेसबुक पे फॉलो, और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका सबमिट हो जाएगा ये तीनों प्रोसेस करने के बाद। तो बस यही आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा फिर तो आप, और उसके बाद हम रिजल्ट निकालेंगे 18 या 19 तारीख को। तो इस तरह से करना है, सिंपल है, इस बार कोई ऐड गिड़ नहीं है इधर। चलो भाई लोग, यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। हमारे रॉयल पास सीजन 16 कब एंड होगा और सीजन 17 का रॉयल पास आपको कब देखने को मिल जाएगा, तो अभी अगर हम रॉयल पास पे आ जाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर नीचे लिखा हुआ एंड्स 2021-1-17, मतलब आपका ये रॉयल पास 17 तारीख तक आप इसका जो भी है 100 आरपी करना है, नहीं करना है, क्रेट ओपनिंग करना है, 17 तारीख तक आप सुबह के 5:30 बजे तक ही कर सकते हैं। 18 तारीख से आपका ये लॉक हो जाएगा, सीजन 16 का आरपी लॉक हो जाएगा, फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ना 100 आरपी कर पाओगे, ना आपका जितना यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, जैसे मेरे अभी 6910 है, तो उस तरह से अगर आपके पास एक्स्ट्रा पॉइंट हो गए तो आप इसे खर्च कर दो जिधर भी करना है, इधर जैसे कि क्रेट ओपनिंग कर सकते हैं या जो भी करना आपको आरपी का तो वो करें। और मैं अभी कल या परसों इसका वीडियो बना के आपके लिए जरूर लेकर आऊँगा, क्योंकि मेरे कुछ मिशन बाकी है कंप्लीट करना, वो कंप्लीट होने के बाद जरूर इसका वीडियो आएगा। अभी बात कर लेते हैं सीजन 17 का रॉयल पास कब आपको देखने को मिल जाएगा, तो 19 जनवरी सुबह 7:30 बजे आपको न्यू रॉयल पास देखने को मिल जाएगा गाइज। हाँ गाइज, सीजन 17 का, जिसके अंदर दो दो मिथिक आपको मिलने वाले हैं। तो गाइज रॉयल पास में बहुत ही अच्छा, मतलब दो दो मिथिक फर्स्ट टाइम आ रहे लगता है मेरे को, जिसका फायदा बहुत है उसका। 60 वाला आरपी का भाई बहुत ही खतरनाक मिथिक आउटफिट है, वो तो 100 से भी अच्छा लग रहा है। तो कोई ना गाइज, आप कौन सा लेने वाले हैं कमेंट करके जरूर बताना। 60 पे दो चॉइस हो गए तो आप कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद गाइज बात कर लेते हैं यहाँ पर सीजन 17 में आपका टीयर रैंक कौन सा होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाकर आप चेक कर सकते हैं, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। तो जाकर आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना कि आपका सीज़न 17 में कौन सा रैंक होगा। मैं तो भाई इस बार थोड़ा खेला ही नहीं ज़्यादा, कोई नहीं, अगर आप एस पे है तो कौन से रैंक पे जाओगे, डायमंड पे है, प्लैटिनम पे है, जो भी है तो आप चेक कर लेना। उसके बाद गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पर अभी आरपी रिवार्ड का गेम प्ले मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जितने भी गेम प्ले आरपी के रिवार्ड्स है उसका आपको ट्रेनिंग सेक्शन में गेम प्ले दिखा देता हूँ। तो भाई लोग, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अभी टीयर रिवार्ड का यहाँ पर पूरा, एंड ये लिंक हमको हमारे लकी मैन भाई ने दिया है, थैंक यू सो मच। उनका भी चैनल जाकर देख के आओ यार एक बार, तो देख सकते हैं गाइस इस तरह से आपको ये टीयर रिवार्ड देखने को मिलने वाला है, जिसका आउटफिट और ये मास्क देख सकते हो आप यहाँ पर, पूरा आपको डिटेल में यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि किस तरह से पहनने के बाद वो आपको देखने को मिल जाएगा। सो बहुत ही बढ़िया है यार, ठीक है एकदम, मतलब इन्होंने क्या कर दिया पता नहीं यार, ज़्यादातर फीमेल के लिए ही यहाँ पर बना दिया है। और ये WM का स्किन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओम का स्किन, जो कि गजब का लग रहा है यार सीजन 17 का ओम का स्किन, बहुत ही बढ़िया। तो भाई साहब, जिसके पास ओम का स्किन नहीं है वो डायमंड टीयर पे जाके यहाँ पर इस ओम का स्किन को ले सकते हो, जो कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा ब्लू फिनिश है, ब्लू आकाशी देख सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया है यार। यहाँ पर बहुत सारा क्या बोलते हैं उसे, इम्प्रूवमेंट किया गया है सीजन 17 में। उसके बाद गाइस यहाँ पर परचेस बोनस का भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, तो आउटफिट तो क्या लुक लग रहा है, जैसे कि भाई ये क्या ही आमिर बंदा है एकदम दुबई साइड का। तो देख सकते हैं मिनी 14 का स्किन भी आपको देखने को मिल रहा है, जो कि आपको परचेस बोनस में देखने को मिल जाता है। ये तो फ्री में मिल जाएगा अगर यूसी परचेस कर लेते हो रॉयल पास आने के बाद। तो देख सकते हैं खतरनाक है यार इसका टोपी, उसके बाद ये यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटफिट, उसके बाद मिनी 14, बहुत ही बढ़िया है यार, एक नंबर का काम हो गया इधर तो।
मिनी का स्किन तो आपने यहाँ पर देख ही लिया है, ठीक ठाक है यार। मिनी छोड़ के कुछ अच्छा देना चाहिए पबजी वालों को, लेकिन क्या कर सकते गाइस, यहाँ पर अला हरम ही पना कर रहे हैं भाई। ये जो गन ज़्यादा यूज़ नहीं करते ना पब्लिक, वही गन का स्किन दे रहा है। जो ज़्यादा यूज़ करते हैं हम, उसका स्किन तो देता नहीं कभी। M4 का कितने दिनों बाद आया था, उसके बाद AKM का कभी देगा नहीं जल्दी से, बहुत ही मतलब क्या बोले। और अभी चलो गाइस बात कर लेते हैं RP आउटफिट की यहाँ पर हम, और पूरा RP का रिवॉर्ड जितना भी है वो पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर गेम प्ले के साथ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा देखना वीडियो को एंड तक, जरूर मजा आ जाएगा आपको, पूरा दिखा देता हूँ। तो ये कुछ RP में आपको देखने को मिल सकता है, शाइनी वाला आउटफिट है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो यार, बहुत ही बढ़िया चमक रहा है यार ये तो, ठीक है। और इसके बाल भी अच्छे से है यहाँ पर। उसके बाद गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पर, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर RP1 पे एक आउटफिट और उसका मास्क RP5 पे आपको देखने को मिलने वाला है। सो देख सकते हैं ये इतना कुछ खास नहीं लग रहा, ये क्या कार्टून बना दिया पता नहीं, आप बताना यार कमेंट करके। ये RP1 यार किधर सोल्जर बना दिया इन्होंने, ये अलग से जोकर टाइप। तो चलो कोई नहीं गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको देखने को मिलने वाला है, पूरा पहनने के बाद इस तरह से जोकर टाइप का है, सही है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से बहुत ही बढ़िया से लग रहा है। उसके बाद गाइस बात कर लेते हैं RP60 का आउटफिट, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं रिस्प्लेंडेंट डाउन सेट, जो कि बहुत ही खतरनाक होने वाला है भाई साहब, एक नंबर का। तो इस बार मज़ा आने वाला है यार, दो दो आउटफिट आपको चॉइस करने का ऑप्शन मिलने वाला है। सो आप कमेंट करके जरूर बता देना आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करने वाले हो। इसका नाम है रिस्प्लेंडेंट डाउन सेट, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, और दूसरा जो है डेडली सिकल सेट, जो कि फीमेल आउटफिट। और ये भी वैसे देखने को जाए तो दोनों है, लेकिन इसका ना भाई खतरनाक ये बैग देख सकते हो कैसे उड़ रहा है भाई हवा में, एकदम भाई सुपरमैन की तरह। तो ये बहुत ही बढ़िया है, और बहुत जनों को ये 100 RP वाले से भी अच्छा लगा है, बहुत जनों को लगा है, मुझे बहुत सारे कमेंट आए। उसके बाद इसका एक उजी का स्किन भी है आप, जो कि देख सकते हैं स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल जाएगा RP1 पे मेरे ख्याल से। तो देख सकते हैं खतरनाक उजी का स्किन भी है, ये भी बहुत ही बढ़िया दिख रहा है उजी का स्किन, जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो गाइस, पूरा एकदम रोटेशन इसका। और APP मोड में भी आप देख सकते हैं इसके ऊपर डिज़ाइन भी बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, तो इसलिए ना ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है यहाँ पर, मतलब थोड़ा प्रीमियम टाइप का फील आता है ये उजी देख के, बहुत ही ये उजी का स्किन अच्छा है। और इसलिए यार मैं सोच रहा हूँ ले लो यार RP अगर ले सकते हो तो। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकपैक का Level 1 का स्किन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बैकपैक आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत ही ठीक है। इस बार का ना बैकपैक और उसके बाद हेलमेट का स्किन ना पूरा मैचिंग मैचिंग, मतलब ब्लू टाइप का। और देख सकते हैं Level 2 का बैकपैक आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी ठीक ठाक लग रहा है यहाँ पर। और उसके ऊपर ना बैक साइड में कुछ बन रहा है, आप ऑब्जर्व करो एक फेस, और ये Level 3 का देख सकते हो गाइस, तो बहुत ही बढ़िया है। ब्लू व्हाइट में पूरा एकदम Level 3 का बैकपैक आपको देखने को मिल गया। तो Season 17 का RP अच्छा है, क्योंकि 2 मिथिक मिल रहा है भाई 600 UC में, तो इसलिए अच्छा है गाइस, हम बुरा नहीं बोल सकते, क्योंकि 2 मिथिक अभी तक मेरे को ऐसे नहीं मिला है, मतलब ऐसे फ्री में एकदम, मतलब 600 UC स्पेंड करने के बाद एक 100 RP का ही मिलता है, जो कि हमको हर बार मिलता है, जो इतना भी कुछ खास नहीं रहेगा। तो देख सकते हैं, और हेलमेट भी देख सकते हैं आप यहाँ पर, हेलमेट का स्किन भी जो कि मैंने बोला था ब्लू व्हाइट टाइप में ही आपको देखने को मिल जाता है Level 3 पे, तो भाई गजब का लग रहा है। तो आप कमेंट करके जरूर बता देना आपको हेलमेट का स्किन कैसे लगा। उसके बाद ये देख सकते हैं डेडली सिकल सेट, ये ऑप्शन है आपको, और इसकी हेयर स्टाइल तो भाई खतरनाक है, ये हेयर स्टाइल गजब का है भाई, क्या बोले, एकदम चोटी निकली हुई है बाहर लड़की की, एकदम मतलब खतरनाक ऐसा फील आ रहा है कि ये कोई जैसे एवेंजर में सुपर हीरो रहते हैं ना, उस टाइप का ये फीमेल का आउटफिट पहनने के बाद ये फील आ रहा है कि कोई सुपर हीरोइन है यहाँ पर, एकदम मतलब देख सकते हो गाइस बहुत ही बढ़िया से एकदम। इसका भी लुक वैसे देखा जाए तो ठीक है, अच्छा है। तो आप कौन सा चॉइस करने वाले हैं, रिस्प्लेंडेंट डाउन सेट या डेडली सिकल सेट, आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं गाइस। तो देख सकते हैं इसको कुछ ऐसे मतलब पीछे से ऐसे हवा में उड़ने वाला तो नहीं है जैसे सुपरमैन को रहता है, तो देख सकते हैं दोनों का कंपेरिजन एट अ टाइम, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा चॉइस करना चाहिए। तो देख सकते हैं गाइस पूरा एकदम से, तो भाई साहब खतरनाक है यार, आप कमेंट करके जरूर बताना गाइस कि आप कौन सा लेने वाले हो, जरूर कमेंट कर देना। तो ये बहुत ही बढ़िया से यहाँ पर हमने देख लिया, तो देख सकते हैं डेडली सिकल, और उसके हाथ में वो जो सिकल का ही है, मतलब मिली वेपन का ही है, और इसका भी नाम है सिकल, तो देख सकते हैं। तो ये वाला भी आपको देखने को मिलने वाला है वेपन, जो कि इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत डिज़ाइनिंग किया है, तो ये लगता भी नहीं है कि इसका स्किन है बोल के, भाई साहब क्या कर रहे पबजी वाले पता नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पर पूरा आपको APP मोड में, और ये तो भाई डाकू नहीं लग रही है। तो देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया।
खतरनाक है यार ये भी, ठीक है इतना भी कुछ खास नहीं है। स्टिकर स्टिकल का स्किन यहाँ पर मिली अपन। उसके बाद गई थी यहाँ पर ग्रेनेड का स्किन आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके हाथ में, थोड़ा एपीपी में भी आप देख सकते हैं ग्रेनेड का स्किन पूरा यहाँ पर मैचिंग आपको देखने को मिल रहा है। तो चलो थोड़ा फोड़ के देख लेते हैं इसको। तो कुछ मेरे ख्याल से इफेक्ट में तो कुछ चेंजेस नहीं होगा, बूम तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। और ये देख सकते हैं हमारा 100 वाला आरपी का आउटफिट, और उसी के साथ यहाँ पर M16A4 जो कि मेरे ख्याल से RP90 या 80 पे आपको देखने को मिलने वाला है, जो हर बार गन का सेक्शन रहता है वहाँ पर। तो M16A4 आपको देखने को मिलने वाला है, बट इतना भी कुछ खास नहीं। वो ड्रैगन वाला आया था ना, वही नॉर्मली बहुत जन यूज़ करते हैं M16A4 को, क्योंकि वो खतरनाक दिखता था एक सीज़न में आया था। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये भी अच्छा है, लेकिन यार यहाँ पर अगर M4 का होता ना मज़ा और आता। नहीं तो AKM, नहीं तो वो जो नॉर्मल हम गन यूज़ करते ग्रोजा AUG मशीन गन का भी रहता तो मज़ा आ जाता, बट नहीं देगा पबजी वाला, इतना आसानी से नहीं देता भाई। उनको तो चाहिए पैसा भाई, पैसे के लिए तो चालो है सब कुछ। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर FPP में भी आप देख सकते हो गाइस बहुत ही बढ़िया। बट ये गन ना भाई बहुत डेंजर है, जिसको चलाने आई ना भाई खतरनाक, फिर उसको नहीं रोक सकता कोई, क्योंकि इसका डैमेज बहुत है, एट अ टाइम 3-3 बुलेट छोड़ता है, मतलब खतरनाक है। और ये देख सकते हैं 100 वाला आउटफिट का स्किन, जो कि ये भी अच्छा है। RP60 का पसंद आया आपको, जो कि रिस्प्लेंडेंट डाउन सेट है, या ये 100 वाला आपको पसंद आया गाइस कमेंट करके जरूर बता देना। तो देख सकते हो यहाँ पर 100 वाला RP का सेट को भी एकदम मतलब शेपुट निकले लिए भाई बाहर, एकदम ऐसा हटते है इसका अलग ही है पीछे का उड़ने वाला, ये थोड़ा ऐसा शेप दे दिया है पीछे, देख सकते हो शेफ्टी वानी। सो चलो कोई नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है ये 100 वाला आउटफिट। सो गाइज आज की इस वीडियो में पूरा मैंने आपको RP के रिवॉर्ड का गेम प्ले दिखा दिया है। सो आप कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। और यहाँ पर हमारा जो वेक्टर का स्किन भी आपको देखने को मिलने वाला है फ्री RP में 50 रैंक पे, तो ये इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है, ये भी ठीक मतलब अच्छा है वेक्टर का स्किन, जिसके पास नहीं है फ्री वालों के लिए भी मिलने वाला है जो RP 50 करेगा उनको। तो देख सकते हो इसका FPP लुक भी आप देख सकते हो यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। उजी और वेक्टर तो अच्छा है, ठीक है, वेक्टर भी बहुत डेंजर गन है, हम इसको नॉर्मली TDM में यूज़ करते हैं ज़्यादातर। क्लासिक में तो भाई M4 AKM ग्रोजा AUG मशीन गन, इस टाइप की गन ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। सो गाइज आज की इस वीडियो में बस यही था, मिलते हैं कुछ नया लेकर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।